मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ। एलोवेरा ग्वार पाठा जरूर रखो अपने घर। ग्वार पाठे का रस अद्भुत काम करता है, त्वचा की बीमारियों में काम करता है, पेट साफ करने में काम आता है। कान में कितना भयंकर दर्द हो, ग्वार पाठे का रस थोड़ा गर्म करके एक ही बूंद टपकाओ, 3 सेकंड में दर्द खत्म कर देता है, विद इन 3 सेकंड्स। इंजेक्शन से भी तेज गति से काम करता है। किसी स्त्री और पुरुष को नपुंसकता की शिकायत हो, ग्वार पाठा बिल्कुल ठीक कर देता, कंप्लीट क्योर करता है। शरीर को ताकत बढ़ानी हो, बहुत कमजोरी लग रही हो, तो ग्वार पाठा अद्भुत काम करता है। बाल बहुत झड़ते हो, गुच्छे के गुच्छे निकलते हो, ग्वार पाठे का रस बाल में लगाओ, जैसे तेल लगाते हैं, 1 घंटे के बाद धो लो तो बाल झड़ना बंद करा देता है। बाल ज्यादा काले रखने हैं तो ग्वार पाठा सप्ताह में 1 दिन लगाते ही रहो रस के रूप में, अद्भुत काम करता है। आंखों की रोशनी बढ़ानी हो तो ग्वार पाठे को इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने के रूप में ले सकते हैं। बच्चों को फोड़े फुंसियाँ बहुत होती हैं, 1-1 चम्मच ग्वार पाठे का रस 3-4 दिन पिला दो तो सब फोड़े फुंसियाँ होना बंद। गर्मियों में घमौरियाँ बहुत हो जाती हैं तो ग्वार पाठे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मनुष्यों में पुरुषों को एक बहुत खराब बीमारी होती है, उसको बार्बर सिचिंग कहते हैं। दाढ़ी बनाओ ना, उसके बाद लाल लाल फुंसियाँ हो जाती हैं, उनको बोलो कि ग्वार पाठे का रस लगा के फिर शेविंग करें तो कभी ये तकलीफ नहीं आती। बहुत अच्छी दवा है, घर में है आप लगा सकते हैं, घर में भी हो सकता है, खेतों में भी हो सकता है। एक दिन मैंने ये सब गिना तो 108 दवाएं हमारे रसोई में हैं, 108, और इनसे हर बीमारी ठीक हो सकती है, कहीं घर के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। और मैं तो सबको चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि आप बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो, बीमारी खतरनाक नहीं है, डॉक्टर खतरनाक। एक बीमारी से दूसरे में फंसाएंगे, दूसरे से आपको तीसरे में ले जाएंगे, ठीक ही नहीं होने देंगे। और आजकल डॉक्टर जो दवाएं आपको खिलाते हैं ना, वो दवा अपनी माँ बहन को कभी नहीं खिला सकते, ऐसी दवाएं आपको खिला देते हैं। जिन दवाओं पर कोई क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं, जिन दवाओं को किसी ने अप्रूव भी नहीं किया है, उनको धड़ल्ले से प्रेस्क्राइब करते हैं क्योंकि कमीशन मिलता है। और ये कमीशन खोरी इतना बढ़ गया है कि अब अच्छा डॉक्टर चिराग लेके ढूंढने निकलो तो कोई एक मिले, मुश्किल से एक मिले। इसलिए आप इनसे अगर बचे रहें तो आपकी जिंदगी बहुत सुरक्षित रहने वाली है। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें मैंने आपसे कही, आप इनका पालन करें। एक तो हमारा आयुर्वेद का हिस्सा है स्वस्थ कैसे रहें, उसके कुछ सूत्र मैंने बताए। एक तो बीमारी आ गई तो अपने घर से उसका कैसा इलाज करें, कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका रसोई से इलाज ना हो सके। और अगर बहुत अधिक जरूरत पड़ेगी तो रसोई से 2-4 कदम ही आगे जाना पड़ेगा। कोई ना कोई वृक्ष, कोई ना कोई पौधा, कोई ना कोई फल ऐसा है जो आपकी सब बीमारियों को ठीक करेगा। तो अगर आपको ये लगे तो आज से करो। और ये सब बातें पढ़नी है तो किताबें ले जाओ, इन पर कुछ CD भी बनाई है वो आप ले सकते हो, कॉपी करा करा के दूसरों को दे सकते हो। लेकिन मेरा कहना है कि अपने जीवन में आप करें, दूसरों को बताते जाएं, ये आपको अपने लिए भी काम आएगा, देश के लिए भी काम आएगा।